नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल घरेलू शिक्षा पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है जिनके जोड़ों में दर्द रहता है और उनके वजह से वे हमेशा परेशान रहते हैं। ये जो नुस्खा आज मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, वो चाहे किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, उनके जोड़ों को दर्द को दूर करने के लिए बहुत ही असरदार। ये नुस्खा घरेलू इलाज है, इससे बनाना बहुत ही आसान है। दोस्तों, ये बिल्कुल आयुर्वेदिक नुस्खा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमारे बहुत सारे चीजों में मिलावट रहती है और मिलावट के वजह से हमें बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खास करके हमारे शरीर में प्रोटीन और जो नेचुरल तत्व है उनमें कमी आ जाती है और उनके वजह से शरीर के हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। हड्डियों में कमजोरी के कारण ही शरीर के जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। ये जितनी भी समस्याएं हैं दोस्तों, वे जोड़ों के दर्द में बहुत बड़ा योगदान देती है। अगर आपके कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, हाथ पैर में दर्द है, खास करके दोस्तों आजकल के युवा पीढ़ी में भी जोड़ों के दर्द तेजी से फैलता जा रहा है। हड्डियों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए कई लोग महंगी महंगी दवाइयां खाते हैं, बहुत सारे डॉक्टरों से, बड़े बड़े डॉक्टरों से ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, पर इन सब दवाइयों का फायदा सिर्फ कुछ दिनों या कुछ घंटों के लिए ही रहता है, दर्द पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाता है। और दोस्तों, इन दवाइयों का आपको कई तरीके से साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो ये जो नुस्खा आज मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको बनाकर अभी दिखाने वाली हूँ दोस्तों, ये बिल्कुल घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्खा है, इसका आपके शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। दोस्तों, ये जो नुस्खा है वो बिल्कुल आजमाया हुआ नुस्खा है, मैंने अपने अगले वीडियो में इसे और बताए थे, जो सिर्फ जोड़ों के दर्द को, जोड़ों का दर्द जैसे घुटनों का दर्द वो दूर करते थे। लेकिन इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगी, ये देखिए दोस्तों, मरीज, काली मिर्च, इसको मरीज भी बोलते हैं, काली मिर्च भी बोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये काली मिर्च है लकवा रोग को ठीक करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर किसी व्यक्ति को अगर लकवा हो गया है, उसके हाथ पैर में दर्द है या हाथ पैर टेढ़ा हो गया है, हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, तो ये जो हम अभी आपको ऑयल बनाकर दिखाएंगे, इस नुस्खे से हम ऑयल बनाएंगे, तो इसमें हम अगर मरीज मिला देंगे, तो इन सभी चीजों को हम मिक्स करके जो ऑयल बनाएंगे, उससे लकवा रोग को दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। फ्रेंड्स, अगर किसी को लकवा हो जाता है तो हम उनके लिए महंगी महंगी ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, महंगे महंगे तेल लगाते हैं, पर उससे कोई फायदा नहीं होता है। फ्रेंड्स, ये जो नुस्खा है वो बिल्कुल आयुर्वेदिक है और आजमाया हुआ है, इससे लकवा रोग में जो परेशानियां होती हैं, हाथ पैर में दर्द होता है, वो हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस ऑयल को आपको बनाकर दिखाते हैं। तो हमें इस बनाने के लिए लगेगा सरसों का तेल। फ्रेंड्स, ये सरसों का तेल है, आप अपने अनुसार बना सकते हैं। सरसों का तेल जो है वो हाथ पैर के दर्द को दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। दूसरा चीज हम इसमें ऐड करेंगे वो है धतूरे का पत्ता और फल। ये देखिए दोस्तों, ये धतूरे का पत्ता जो है वो बहुत ही फायदेमंद है जोड़ों के दर्द, हाथ पैर के दर्द है, जैसे हाथ पैर में सूजन है तो उनको दूर करने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने अपने अगले वीडियो में यही धतूरे का पत्ता ऐड किया था और बहुत सारे लोगों ने कमेंट में बताया है कि ये जो ऑयल बना है वो बहुत ही असरदार है। तीसरी चीज हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च। फ्रेंड्स, काली मिर्च जो है वो लकवा रोग को ठीक करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो हमने इसमें नया चीज ऐड किया है, ये काली मिर्च। चौथी चीज हम इसमें ऐड करेंगे मेथी। देखिए दोस्तों, ये मेथी है, मेथी जो है वो शरीर के बहुत सारे अंगों के लिए फायदेमंद है, तो हम इस ऑयल में मिलाएंगे मेथी। और जो पांचवी चीज है वो है लहसुन। फ्रेंड्स, इसमें हम तीन चार कलियों की लहसुन इसमें डाल लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस आयुर्वेदिक ऑयल को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये आजमाया हुआ नुस्खा है, इस ऑयल से आपको गारंटी के साथ आपके हाथ पैर के जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। आप इसको एक बार इस्तेमाल करके जरूर देखिए। हम सबसे पहले सरसों के तेल को गर्म कर लेंगे।
इस तरीके से आप किसी पतीले पे सरसों के तेल को कुनकुना कर दे गर्म करने के लिए। इसे करीबन 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दे, गर्म होने दे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ऑयल को करीबन 2-3 मिनट तक गर्म किए हैं, इसमें उबाल आना चालू हो गया है। तो अब हम इसमें सभी चीज को ऐड करेंगे, धतूरा पत्ता डालेंगे, सबको डालेंगे। तो अब हम इसमें जो पत्ता है धतूरा का उसको डाल लेंगे। इस तरह से हम छोटे छोटे धतूरे के पत्तों को टुकड़े टुकड़े करके काट लेंगे, छोटे छोटे काट लेना है, छोटे छोटे काट लेना है इस तरह से। फिर गर्म तेल में डाल देना है। फिर तेल गर्म हो जाए तो इसमें हमें धतूरे के पत्ता को डाल लेना है। इस तरह से धतूरे के पत्ता को जब डालेंगे तो उबाल आ जाएगा। फिर इसमें हम डालेंगे मेथी। फ्रेंड्स, मेथी जो है वो बहुत ही फायदेमंद चीज है, ये जो है हाथ पैर के दर्द को कम करता है। फिर इसमें हम डालेंगे दोस्तों धतूरे के बीज। हमने पत्ता और बीज दोनों लिए थे, तो अब हम इसमें बीज को डाल देंगे। हमने जो धतूरे के फल लिए थे उसको काटे हैं, काट कर इसका बीज निकाल लिए हैं और इसमें मिला दिए हैं। फिर इसमें हम डालेंगे काली मिर्च। मरीच के बीजों को हमने पीस लिए हैं, फिर इसमें हम अब मरीच को ऐड कर लेंगे इस तरह से। फिर इसमें डालेंगे लहसुन, लहसुन की कलियां इसमें अब हम डाल देंगे। फ्रेंड्स, इस ऑयल को हमें करीबन कम से कम 10 मिनट तक उबालते रहना है। ये जो सब चीज हमने इसमें ऐड किए हैं, धतूरे का पत्ता, लहसुन, मेथी, सब जल ना जाए, मतलब काला ना पड़ जाए, तब तक इसे उबलते रहने देना है। देखिए फ्रेंड्स, पत्तों में कालापन आना स्टार्ट हो गया है। ये सब उबलकर अच्छी तरीके से काला पड़ जाएगा, तब ये तेल बनकर तैयार होगा। अब ये सब उबल रहा है तो हमें इसे करीबन 10 मिनट तक उबलने के लिए छोड़ देना है। फ्रेंड्स, ठंडियों के मौसम में तो आम बात है हाथ पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो आप इस ऑयल को किसी भी समय लगा सकते हैं, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये बिल्कुल आयुर्वेदिक नुस्खा है। फ्रेंड्स, हम लोग भी इसी ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, इससे हाथ पैर का दर्द जो है वो दूर हो जाते हैं। आप इस ऑयल को किसी भी समय लगा सकते हैं, कहीं पर भी आ जा सकते हैं। ये ऑयल जो है वो बहुत ही असरदार है फ्रेंड्स, आप भी जरूर इसे एक बार ट्राई करें। इस ऑयल को बनाना बहुत ही आसान है, इसे आप अपने घर पर बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने अभी करीबन 3-4 मिनट ही उबाले हैं, इसमें कालापन आ गया है। हमें इसे थोड़ी देर और इसी तरीके से उबलने के लिए छोड़ना है। ये पूरा उबलकर काला पड़ गया है, तो अब हम इसको छान लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी तरीके से उबल गया है, अब इसको हम छान कर रख लेंगे। ये बहुत गर्म है फ्रेंड्स, तो हमें इसे करीबन आधा घंटा तक ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। फिर इसको छान कर बॉटल में भरकर रख लेना है और इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत गर्म है तो अभी हम तुरंत इसको छान नहीं सकते हैं, पर आप देख सकते हैं ये जो हमने इसमें धतूरे का पत्ता लहसुन ऐड किया था वो अच्छी तरीके से जल गया है। तो अब हम इसको छान कर रख लेंगे। हमें इसे आधा घंटा तक ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब ये आधा घंटा बाद ठंडा हो जाएगा तो आप इसको छान कर किसी शीशी या बॉटल में भर कर रख ले और उस ऑयल का इस्तेमाल जरूर करें। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरीके के यूजफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल घरेलू शिक्षा को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, ये ऑयल आपके हाथ पैर के जोड़ों का दर्द ठीक कर रहा है या नहीं, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।